ध्वस्त हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। और आज स्थिति ऐसी है कि अब बिहार के लड़के परीक्षा के नाम से लड़ने लगे, परीक्षा देने के बाद परिणाम सही नहीं आता है। जो बच्चे अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके कॉपी की जांच सही तरीके से नहीं की जाती है। इंटर के कॉपी का जांच छठी और आठवीं के क्लास में शिक्षा देने वाला शिक्षक करता है, और ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पास हो जाते हैं लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल कर दिए जाते हैं। इस कारण आज बिहार के छात्र, बिहार के संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण से बहुत दुखी हैं। और हम बिहार की सरकार से मांग करते हैं कि बिहार की सरकार ने और इंटरमीडिएट काउंसिल के चेयरमैन ने कल आनंद किशोर जी ने जो यह निर्णय लिया है कि दो विषयों में फेल बच्चे को ही कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने की अनुमति दी जाए, यह उचित नहीं है। जिन भी बच्चों ने परीक्षा दिया है जो फेल हुए हैं, जितने भी विषय में फेल हुए हैं, सभी बच्चों को कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने की अनुमति इंटरमीडिएट काउंसिल को देनी चाहिए। ऐसा नहीं करके छात्रों के साथ अन्याय करेगी राज्य की सरकार। दोष राज्य सरकार का है, गुनाह राज्य सरकार का है, और आज उसकी सजा बिहार के छात्र भोग रहे हैं। गलती की इन लोगों ने, इंटर की कॉपी की जांच करा रहे हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर से, आठवें और नौवें क्लास के सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के बदले सेकेंडरी के टीचर से जांच करा रहे हैं। तो जब जांच करने वाला शिक्षक ही उस की पढ़ाई नहीं किया है जिसकी कॉपी वह जांच कर रहा है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि कॉपी का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा और छात्रों को सही परिणाम नहीं मिलेंगे। आज यही स्थिति बिहार में हुई है कि जिन छात्रों ने परीक्षा में जो परीक्षा में लिखा है कॉपियों के ऊपर, उसकी जांच सही शिक्षकों ने नहीं की है, सही टीचरों ने नहीं की है, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्रों को फेल किया गया। इसलिए हमारा ये मानना है और बिहार की सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह है कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने की अनुमति उन सभी छात्रों को दी जाए जिन छात्रों ने इनके परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की है। जो उत्तीर्ण नहीं हुए वैसे सभी छात्रों को कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने की अनुमति दी जाए, और बिहार की छवि जिस प्रकार से पूरी देश दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में